आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको जो है वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक की जिससे आपसे बहुत बढ़िया तरीके से आप इसे याद रख पाओगे। देखिए आपको इसको याद रखने के लिए करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए इंट्रोडक्शन आता है ना, क्लास 9th या क्लास 10th सभी के जो स्टूडेंट इसे याद कर सकते हो। सबसे पहले इसका आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, फर्स्ट बार में इंट्रोडक्शन आएगा इसका। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन तो हम लिखेंगे वी लाइव इन द एग ऑफ साइंस। इसके बाद ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना, ये आपको सभी जगह काम आएगी, बस यही याद रखनी है। इसकी ट्रिक ही यही है, देखिए इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हैज़ मेड आवर लाइफ एजी एंड कंफर्टेबल, इट हैज़ चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, वी कैन नॉट लाइव विदाउट इट, ठीक है ना। अब जैसे कि ये याद कर लिया आपने, तो देखिए इसका आगे आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले बच्चों। अब देखिए बच्चों आपको इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला पॉइंट है वो तो आपको ये लाइन तो याद करनी ही पड़ेगी, इट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटेशन ऑफ साइंस, ये लाइन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है कि आपको जो ये जो ब्लू कलर में जो लाइन दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी आपको इसमें ही उतार देनी है, मतलब कि आपको यही कि यही लाइन यहाँ पर भी आपको यूज़ करनी है। जैसे कि ये तो आपको ये अपने याद कर लिया, फिर इसको यहाँ पर उठा के यहाँ रख देनी है, ठीक है, ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी का पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। अब जो आपका ये थर्ड पार्ट जो आया है आपका, इसमें क्या है कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर में आपको जो पहली लाइन है वो तो आपको यही याद करनी पड़ेगी, इट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, ये लिख देनी है। फिर इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, जी हाँ बिल्कुल, आपको फिर इसके बाद यही लाइन यहाँ पर भी रिपीट कर देनी इसके नीचे, तो ये आपका कंप्यूटर वाला जो पॉइंट है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट आता है मेडिकल साइंस, तो चलिए मेडिकल साइंस वाला पार्ट जो है हम लिख लेते हैं। देखिए अब आपका जो पार्ट आ रहा है, अब देखिए इसको समझ लीजिए आप, ये जो है मेडिकल साइंस, अब इसमें आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा, साइंस हैज़ डन एट लेट इन द फेल लेड ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी वही है, जी हाँ बिल्कुल गुड, देखिए इसमें जो ये पार्ट जो है आपको यहाँ पर भी लगा देना है, तो ये भी पूरा हो जाएगा और आपका ये निबंध पूरा हो जाता है और इस पूरा नंबर मिलेंगे, क्योंकि देखिए बोर्ड परीक्षा वाला या किसी भी क्लास में आप देख लीजिए पूरा चेक नहीं करता है, वो ऊपर ऊपर की लाइन ही चेक करता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना। आपका हमेशा स्वागत रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल का आपको नाम तो पता ही है। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो ये देखिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें इन पर व्हाट्सएप कीजिए, 65 90 11 37 इन पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बाय, थैंक्स टू वॉचिंग, ठीक है, आज के लिए बस नहीं।